जिसके लाखों फैन हों और उनके सभी गाने हिट हों और सभी गाने सबके फेवरेट हों, उनका भी कोई गाना अपना गाया तो फेवरेट ज़रूर होगा। मैं बात करने जा रहा हूँ लता मंगेशकर के बारे में, जिन्होंने अपना फेवरेट सॉन्ग बताया है कि कौन सा उनका फेवरेट सॉन्ग है और किस फिल्म से है। उस फिल्म में संजीव कुमार और जया बच्चन की किस्मत भी बदली थी और करोड़ों की कमाई हुई थी और गाना भी हिट रहा था। वैसे कोकिला लता मंगेशकर आज भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके द्वारा गाए गए गाने आज भी दर्शकों को दिलों में बसी हुई है। बता दें कि लता मंगेशकर ने अपने सिंगिंग करियर में 55,000 से भी ज़्यादा गाने गाए हैं। इसके साथ ही 30 से ज़्यादा भाषाओं में गाने गाने का रिकॉर्ड भी लता दीदी के नाम है। वहीं लता मंगेशकर फेवरेट सॉन्ग तो आप लोगों को बताता हूँ, लेकिन लता मंगेशकर एक ऐसी सिंगर थी जिन्हें भारत में ही नहीं विदेशों में भी लोकप्रियता काफ़ी ज़्यादा थी। वहीं लता मंगेशकर के फेवरेट की सॉन्ग की बात की जाए तो उस साल एक बेहतरीन फिल्म आई थी जिसका गाना सुपरहिट भी रहा था और वही लता मंगेशकर का पहला सुपरहिट सॉन्ग उनका फेवरेट सॉन्ग बना था। कहा जाता है कि किसी इवेंट और किसी अन्य फंक्शन में ज़रूर गुनगुनाती हैं इस गाने को। उनका वो फेवरेट गाना जया बच्चन और संजीव कुमार पर फिल्माया गया है। अगर आप अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डालेंगे तो आपको बेहद आसानी से वो गाना याद आ जाएगा। वहीं IMDb की रिपोर्ट के अनुसार लता जी को फिल्म अनामिका का फेमस गाना बाहों में चले आओ काफ़ी पसंद था। वहीं गाना है जिसे लता मंगेशकर जी अब भी किसी भी पार्टी इन्वेस्ट में ज़्यादातर वो गाना गाने की कोशिश करती थी। किसी समारोह में शामिल होने हो या किसी इवेंट में गाना गाने का प्रोग्राम हो तो इस गाने को ज़रूर वो गाया करती थी। उन्होंने खुद इस गाने को अपना सबसे पसंदीदा गाना बताया है। वहीं इसके अलावा लता को आमिर खान की फिल्म रंग दे बसंती का गाना लुक्का छुपी बहुत हुई भी काफ़ी फेवरेट गाना बताया जाता है। वो इतना फेवरेट नहीं है जितना अनामिका फिल्म का ये गाना उनका फेवरेट है। वहीं अनामिका बॉलीवुड की बेहद खूबसूरत फिल्मों में से गिनी जाती है। ये फिल्म साल 1963 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का निर्देशन रघुनाथ झलानी ने किया था, जबकि फिल्म को आमिर खान के पिता ताहिर हुसैन ने डायरेक्ट किया था। फिल्म में संजीव कुमार और जया बहादुरी लीड रोल में नजर आई थीं। वहीं अनामिका फिल्म के 3 गाने आज भी दर्शकों के बीच काफ़ी सुना जाता है। किशोर कुमार का वो गाना जिसे आप अक्सर गुनगुनाते होंगे, गाने के बोल हैं मेरी भीगी भीगी सी, आशा भोसले की आवाज़ में आज की रात, और लता मंगेशकर का वो गाना जो उनका फेवरेट सॉन्ग है बाहों में चले आओ। गाना आज दर्शकों की जुबान पर दिल चढ़कर बोलता है। वहीं निर्देशक रघुनाथ झलानी के निर्देशन में बनी फिल्म ने 1963 की 12वीं सुपरहिट फिल्म थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज़्यादा कमाई की थी। इसके साथ ही ये संजीव कुमार और जया बहादुरी की बेहतरीन फिल्मों में से एक कही जाती है। फिल्म कोशिश के बाद वे दूसरी बार रोमांटिक कपल के रूप में दिखे गए थे। अनामिका फिल्म दोनों के करियर के लिए बेहद उम्दा साबित हुई थी। बतौर कपल दर्शकों ने दोनों को बेशुमार प्यार दिया था। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना। चैनल को शेयर लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और आपके पास कोई सुझाव हो तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़िएगा। जय हिंद।